हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? एंथर वॉल। अभी यहाँ पे इस लेक्चर में हम देखेंगे इन डिटेल में डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट? सो बिफोर गोइंग टू द डेवलपमेंट, मैं यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समराइज करूंगी एंथर वॉल के बारे में। ओके, सो डेफिनेटली ये डायग्राम तो आपको याद ही होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, यंग एंथर। स्पेसिफिकली यंग आपको ये वर्ड याद रखना होगा, यंग एंथर का टीएस है। तो यहाँ पे यंग एंथर, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड अराउंड दैट माइक्रोस्पोरेंजियम देयर इज एंथर वॉल एंड दैट एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? फोर लेयर्स। ये है जो ब्लू कलर में सर्कल मैंने दिखाया है, वो क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। लेकिन सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा है? इपिडर्मिस। इनर टू द इपिडर्मिस कौन सा लेयर है? एंडोथीशियम। इनर टू द एंडोथीशियम कौन सा लेयर है? दैट इज द मिडल लेयर। एंड ये रेड में जो दिखाया मैंने, दिस रेड में जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज अ टैकेटम। ओके, यहां पे मैंने उसके नाम लिखे हैं। सो इन अ यंग एंथर, एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? फोर लेयर्स। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगा इपिडर्मिस, इनर टू द इपिडर्मिस देयर इज एंडोथीशियम, इनर टू द एंडोथीशियम देयर इज अ मिडल लेयर एंड इनर टू द मिडल लेयर और यू कैन से इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज द टैपेटम एंड इनर टू द टैपेटम क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा। इनर टू द टैपेटम वहां पे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। सो ये कह सकते हैं हम क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। इनर टू द टैपेटम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, याद रखना होगा। अभी इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान देना है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वहां पे एक मेन डिफरेंस आता है इन चारों लेयर्स में। ओके, ये जो इपिडर्मिस है, इट इज नॉट आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन, इट इज नॉट आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। ओके, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इपिडर्मिस है, इट इज नॉट अराइज्ड फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल। ओके, नॉट अराइज्ड फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल। दूसरे ये बाकी के जो तीन लेयर है, कौन से तीन? एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, दे आर आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। दे आर व्हाट? आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। इसका मतलब क्या? ये जो तीनों लेयर है, कौन से तीनों? एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, दे आर अराइज्ड फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल। अभी ये आर्किस्पोरियल सेल क्या है वो हम डेवलपमेंट ऑफ एंथर में देखेंगे। ओके, ये एक डिफरेंस हो गया किसमें? लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल में। दूसरा डिफरेंस, ये इपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो लेयर्स है, दे हैव अ रोल इन प्रोटेक्शन एंड इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। वही जो लास्ट लेयर है टैपेटम, इट हैज अ रोल इन द नरिशमेंट, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, राइट? ये थोड़ा सा मेन आपको डिफरेंस एंथर वॉल के लेयर्स में याद रखना है। अभी इसके बाद इनर टू द टैपेटम क्या है वो हमें फोकस करना है। इनर टू द टैपेटम और टैपेटम, इट कवर्स द व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करने वाला जो लेयर है वो कौन सा है? टैपेटम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ओके, यंग एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर में वहां पे होमोजेनियस टिश्यू का मास रहता है। दैट होमोजेनियस टिश्यू का जो मास है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पोरोजिनस टिश्यू। उसको क्या कहा जाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाएगा। स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पे है? माइक्रोस्पोरेंजियम में है। ओके, सो एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम वहां पे कौन होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। होमोजिनियस का है, इसका मतलब सभी क्या है? सेम है, ऑल आर सेम, राइट? मीन्स स्पोरोजोन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं हुआ है किसमें? स्पोरोजिनस टिश्यू में, दैट इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है,
ये बाद में डेवलप होने वाला है, दिस माइक्रोस्पोरेंजियम, मैं यहाँ पे अभी मैं ये करूंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इट इज लेटर ऑन बाद में डेवलप होगा किसमें, पोलन सैक और कैन से पोलन चैम्बर, याद रखना थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक में। यूजुअली ये कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम इज नथिंग बट पोलन सैक, लेकिन ये डेवलपमेंट के स्टेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि एक ही स्ट्रक्चर का नाम है लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस पे उस स्ट्रक्चर को अलग अलग कहा गया है, समझ में आया। तो इनिशियली ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, बाद में वही डेवलप होने वाला है किसमें, पोलन सैक या पोलन चैम्बर कहेंगे आप। ओके, किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम, या आप इसलिए हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम इज नथिंग बट फ्यूचर पोलन सैक, इसको क्या कह सकते हैं हम, फ्यूचर पोलन सैक, क्यों, क्योंकि बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम को ही बाद में हम, या लेटर ऑन इट डेवलप इनटू व्हाट, पोलन सैक और पोलन चैम्बर, राइट। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन है, एट सेंटर कौन है, स्पोरोजिनस टिश्यू, और वही स्पोरोजिनस टिश्यू लेटर ऑन डिफरेंशिएट इनटू पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, समझ में आया। ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजियम हम यहाँ पे पूरा पॉइंट अभी जो बोला है वो लिखेंगे, यहाँ पे अभी जो हमने बोला था वो लिखेंगे कि यंग एंथर में, इन यंग एंथर ये याद रखना, देयर इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, सो एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देयर इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम देयर इज अ मास ऑफ होमोजिनस टिश्यू कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या कहा जाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके, देन स्पोरोजीनस टिश्यू व्हेनेवर द एंथर इज गेट मैच्योर, जब भी मैच्योर होता है तब स्पोरोजीनस टिश्यू, और कैन से ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर स्पोरोजीनस टिश्यू आर गेट डेवलप इनटू लेटर ऑन लैटर बोल सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू जो है टिश्यू किसमें डिफरेंशिएट होने वाले हैं, डिफरेंशिएट इनटू यस पीएमसी और कैन से एमएमसी, पीएमसी का मतलब पोलन मदर सेल या पोलन ग्रेन मदर सेल बोल सकते हैं, पोलन मदर सेल या और क्या है एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो स्पोरोजिनस याद रखना, स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पे है, एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और वही स्पोरोजिनस डिफरेंशिएट होंगे किसमें, ऑल द स्पोरोजिनस टिश्यू आर डिफरेंशिएट इनटू व्हाट, पीएमसी, एक हम थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे पीएमसी में। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को कह सकते हैं कि क्या कहेंगे हम, पोलन सैक, फ्यूचर पोलन सैक, इसलिए हम यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे मैं लिखूंगी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट, फ्यूचर पोलन सैक। ऐसा क्यों कहेंगे हम, बिकॉज देयरफॉर, या ऐसे क्यों कहेंगे, बिकॉज
माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम लेटर डेवलप्स एंड बिकम इंटू डेवलप्स इंटू किसमें डेवलप होंगे, पोलन सैक में या और पोलन चैम्बर कहेंगे, पोलन चैम्बर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा फोकस करना है। यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि पोलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, लेकिन थोड़ा वहां पे ये जो एनसीईआरटी में आपको वर्ड दिया है डेवलप्स, उसको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर के ये नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन चैम्बर, लेकिन ये जो नाम है अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज को अलग अलग दिए हैं। इनिशियली माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, लेटर ऑन वही डेवलप और बिकम होगा किसमें, पोलन सैक में। ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू है, पहले उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा वही स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होंगे किसमें, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल का मतलब इट इज द सेल विच अंडरगो मियोटिक डिविजन एंड फॉर्म्स द पोलन रिंग। ये हम हमने प्लांट किंगडम में थोड़ा सा देखा था इसको, या अभी हम इन डिटेल में हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना, राइट। सो अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ओके, इनिशियल स्टेज जब एंथर डेवलप होता है या जब स्टार्ट होती है एंथर डेवलप होने का, तब एंथर जो है इट लुक लाइक अ स्फेरिकल और ओहल, यहाँ पे मैंने निकाला है एंथर इट लुक लाइक अ स्फेरिकल और ओहल। वो जो स्ट्रक्चर है इनिशियल स्टेज पे, वहां पे सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगा सेल का, जो भी स्ट्रक्चर ओहल या स्फेरिकल दिख रहा है, उस स्ट्रक्चर का जो आउटर मोस्ट लेयर होगा सेल का, उसको कहा जाता है क्या, एपिडर्मिस। उसको क्या कहा जाएगा, एपिडर्मिस। ओके, एंड इनर टू द एपिडर्मिस वहां पे जो सेल्स होंगे, दैट देयर इज अ मास ऑफ सेल्स, दैट मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ कैसा होगा वहां पे, कौन से सेल्स का या टिश्यू का मास होगा वहां पे, विच आर अनडिफरेंशिएटेड या होमोजीनियस कह सकते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मास होगा। ओके, तो इनिशियल स्टेज पे मैं बोल रही हूँ एंथर कैसा है, स्फेरिकल या ओवल, और उसमें दो पार्ट करेंगे। सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा उसका हम एपिडर्मिस कहेंगे, और अंदर जो मास होगा टिश्यू का उसको कुछ लेबल नहीं है, लेकिन उसको कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहेंगे। ऑफ कोर्स मेरिस्टमेटिक, ये सभी मेरिस्टमेटिक टिश्यू सेम है, अभी होमोजीनियस मेरिस्टमेटिक टिश्यू रहेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो सेंटर में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, दैट गिव राइज द वॉट, वैस्कुलर टिश्यू। सेंटर में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, दैट लेटर ऑन डेवलप इनटू वॉट, वैस्कुलर टिश्यू। ओके, फर्स्ट में यहां पे बोल रही हूं मैं, सेंटर में जो टिश्यू है, दैट डेवलप्स इनटू वॉट, वैस्कुलर टिश्यू। तो यहां पे मैं बोल रही हूं ये वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गए, यहाँ पे वैस्कुलर स्टैंड या वैस्कुलर टिश्यू है कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, वैस्कुलर टिश्यू कहेंगे। और एक चेंजेस होते हैं यहाँ पे, जब वैस्कुलर टिश्यू तैयार होंगे उसके बाद और एक यहाँ पे चेंजेस होगा, दैट इज व्हाट, अभी बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो, ओके, एट द फोर कॉर्नर, चार कॉर्नर पे, इन अ वर्टिकल रो, बिलो द एपिडर्मिस और इन द हाइपोडर्मिस रीजन, ओके, एट द फोर कॉर्नर, चार कॉर्नर पे एग्जैक्टली बिलो द एपिडर्मिस, चार सेल ऐसे, ओके, चार सेल्स। मैं यहाँ पे और एक डायग्राम निकालूंगी, यहाँ पे ध्यान देना, ये इस तरह हाइपोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस है, अभी इसके नीचे जो सेल्स है ये सभी सेम्स है, सभी सेम है। और सेंटर में क्या डेवलप हो चुका है, वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हो चुका है, जिस द वैस्कुलर टिश्यू, ये वैस्कुलर टिश्यू है। अब
और एक चेंजेस यहाँ पे होगा, बाकी के सभी टिश्यू मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, लेकिन यहाँ पे बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो चार कॉर्नर पे आपको चार कॉर्नर पे इन वर्टिकल रोज चार ऐसे सेल्स जो है, इसमें से चार जो सेल्स है दैट एनलार्ज, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, दैट एनलार्ज उनका दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब बड़ा सा न्यूक्लियस उसमें होगा, इस तरह होगा, राइट। तो मैंने क्या कहा, बिलो द एपिडर्मिस, याद रखना, बिलो द एपिडर्मिस एट द फोर कॉर्नर, चार कॉर्नर पे इन अ वर्टिकल रो, ऐसे वर्टिकल रो में, ओके, चार जो सेल्स है दे गेट एनलार्ज, ओके, बहुत बड़े होते हैं, दे गेट एनलार्ज, दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड दे गेट डिफरेंशिएट। सो उस सेल को क्या कहा जाएगा, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज आर्किस्पोरियल सेल्स। यहाँ पे मैंने ये जो सेल्स बोले हैं उनको क्या कहा जाता है, आर्किस्पोरियल सेल्स, ओके, आर्किस्पोरियल सेल्स। आपको लिखना है कि कोई जरूरत नहीं है, खाली समझना है आपको यहाँ पे। सो चार यहाँ पे कितने आर्किस्पोरियल सेल्स तैयार हो गए, चार आर्किस्पोरियल सेल्स कहाँ पे है, बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस। तो इसी ये जो स्ट्रक्चर है, ये इनिशियली ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल एंथर जो है, ओके, एट फर्स्ट स्टेज, इनिशियल कहेंगे, इनिशियल स्टेज, यही बाद में पूरा एंथर में डेवलप होगा। पूरा एंथर का डायग्राम या ट्रांसफर सेक्शन हमने देखा है, वहां पे एंथर वॉल था, माइक्रोस्पोरेंजियम था, और माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजेनस टिश्यू, ये सब हमने देखा है। वो कैसे कंप्लीट डेवलप होता है इस स्ट्रक्चर से, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल्स तैयार हो गई, कहाँ से, इसी अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, सेल्स जो है वो जो कॉर्नर पे है वही डिफरेंशिएट हो गई, किसमें, आर्किस्पोरियल सेल में, राइट। और ये सबसे बाहर वाला कौन सा लेयर है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, राइट। अभी ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है यहाँ पे जो चार कॉर्नर पे होगी, दैट डिवाइड पेरिक्लिनल, कौन से वे से डिवाइड होगी, पेरिक्लिनल से होगी। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब इट इज द डिवीजन विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बॉडी, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बॉडी, ये इस तरह बॉडी है, तो डिवीजन अगर बॉडी इस तरह है और डिवीजन भी इस तरह ही हो रहा है, तो उस डिवीजन को क्या कहा जाएगा, पेरिक्लिनल। और उसके ऑपोजिट आता है एंटीक्लिनल। अगर बॉडी वर्टिकल है और प्लेन ऑफ डिवीजन हॉरिजेंटल है, तो उसको क्या कहा जाएगा, एंटीक्लिनल। दो टाइप के डिवीजन है, शायद मैंने आपको बोला था, इससे पहले भी बोला था, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आर्किस्पोरियल सेल जो है, आर्किस्पोरियल सेल्स अंडरगो व्हाट, अंडरगोज विच डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब कौन सा, ब्रैकेट में, डिवीजन पैरेलल टू प्लेन ऑफ बॉडी, उसको कहा जाता है पेरिक्लिनल। तो ये प्लेन ऑफ बॉडी है, और इसी तरह उस सभी हरेक आर्किस्पोरियल में क्या होगा, डिवीजन होगा, माइट्रोटिक डिवीजन होगा। सो यहाँ पे इससे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स ये सब पार्ट किसका है, एंथर का। एंथर जो है इट इज द पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, एंथर, एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टैमेन। स्टैमेन किसका पार्ट है, फ्लावर का। और फ्लावर फ्लावर जो है या फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट है। तो फ्लावरिंग प्लांट में प्लांट बॉडी जो होगी वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ओके, डिप्लॉयड होती है, ये हमने प्लांट किंगडम में देखा था। तो यहाँ पे सभी सेल्स अभी इस स्टेज में जो सभी सेल्स है वो कैसे है, डिप्लॉयड है, ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड, याद रखना डिप्लॉयड है, 2N कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर जो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ, पूरा हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। इसके बाद
ये है इपिडर्मिस, ये बाहर वाला इपिडर्मिस, इसमें ऐसे चेंजेस होने लगते हैं धीरे धीरे। इपिडर्मिस है, और मैं अभी यहाँ पे आर्किस्पोरियल को ही फोकस कर रही हूँ। ये जो आर्किस्पोरियल है उसमें कौन सा डिवीजन हो गया, पेरिक्लिनर डिवीजन हो गया, पेरिक्लिनर डिवीजन। ओके, मैं दो कलर, अभी पेरिक्लिनर डिवीजन का मतलब डिवीजन इस तरह हो रहा है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज लाइक दिस, इस तरह है। ओके, दैट इज द पैरेलल टू द व्हाट, पैरेलल टू द व्हाट, आर प्लेन ऑफ द बॉडी। तो इसलिए यहाँ पे दो सेल्स तैयार होंगे, एक आउटर साइड की तरफ और एक इनर साइड की तरफ। इनर साइड की तरफ मैं जो सेल्स तैयार होगी उसको मैं ब्लू कलर में दिखा रही हूँ। इस तरह दो सेल्स तैयार होंगी, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, एट अ फोर कॉर्नर, चार कॉर्नर पे होंगी। ओके, ये एक सेल, ये दूसरी सेल्स, यहाँ पे भी सेम। तो ये चार कॉर्नर पे ऐसे चार दो दो सेल तैयार हो गए। ओके, अभी ये किससे तैयार हो गए, आर्किस्पोरियल सेल से ऐसे दो दो सेल तैयार हो गए। सेंटर में डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू और बाकी के टिश्यू होंगे वहां पे। अभी खाली मुझे ये दोनों को फोकस करना है, इसलिए वही हमने निकाला है। अभी आर्किस्पोरियल सेल्स अंडरगो पेरिक्लिनर डिवीजन, कौन सा डिवीजन, पेरिक्लिनर डिवीजन, एंड फॉर्म अ टू सेल्स, दो सेल तैयार होती है। जो बाहर की तरफ जो सेल्स है उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी, इस तरह निकलेंगे, प्राइमरी पराइटल सेल्स, पराइटल पराइटल सेल्स। और जो अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ जो सेल्स तैयार होती है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यू कहेंगे, सॉरी सेल्स ही कहेंगे, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स एंड प्राइमरी पैराइटल सेल्स। ओके, अभी इन दोनों सेल की वजह से ही पूरा बाकी का जो एंथर है वो तैयार होगा। इसका मतलब अभी एंथर में क्या क्या बाकी है, पूरे एंथर वॉल बाकी है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, ऑल आर फॉरवर्ड ड्यू टू दिस टू सेल्स। ओके, तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स किसको कहा जाता है, डिवाइड इंटू टू, डिवाइड पेरिक्लिनली, एंड क्या तैयार होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आर्किस्पोरियल सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स। ओके, किस तरह डिवाइड हो गई, पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल डिवीजन, डिवीजन, और दो सेल्स तैयार होगी, एक है डिवीजन। ओके, और दो सेल्स तैयार हो गई, एक आउटर जो साइड है, आउटर साइड पे, आउटर साइड पे जो सेल्स है, आउटर साइड सेल्स, उसको क्या कहा जाएगा, आउटर साइड सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, प्राइमरी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहा जाएगा। और जो दूसरी सेल्स तैयार होती है इनर, इनर साइड पे, इनर साइड पे जो सेल तैयार होती है, ओके, उसको क्या कहा जाएगा, दूसरी सेल्स कौन सी है, दैट इज प्राइमरी स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये तैयार हो गए कहां से, आर्किस्पोरियल सेल्स। अभी क्या होता है बाद में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस सेल्स, इसमें जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है दैट अंडरगो पेरिक्लिनल एज वेल एज एंटीक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल का मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, एंटीक्लिनल मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी।
ये दोनों दोनों वे से क्या कौन सी सेल डिवाइड होती है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स डिवाइड होती है, और इसकी वजह से ये दिस अंडरगो डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, याद रखना मियोसिस नहीं, माइटोटिक डिवीजन होता है, और बहुत सारे यहाँ पे क्या बहुत सारे का मतलब थ्री टू फोर फाइव लेयर्स तैयार होते हैं सेल्स के, कितने लेयर तैयार होंगे, थ्री टू फाइव लेयर्स, और वही वही जो है थ्री टू फाइव लेयर्स जो है दैट फॉर्म्स द लेयर्स ऑफ एंथरवॉल। ओके, इसका मतलब क्या, प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या तैयार होने वाला है, एंथरवॉल तैयार होगा, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या तैयार होंगे, बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू तैयार होंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये जो आर्की प्राइमरी पैराइटल सेल्स है दैट अंडरगो पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटीक्लिनल डिवीजन एंड फॉर्म्स अ थ्री टू फोर लेयर्स। ओके, एंड वही थ्री टू फोर लेयर्स जो है सेल्स के दैट फॉर्म्स द व्हाट, लेयर्स ऑफ द एंथरवॉल, एंथरवॉल के लेयर तैयार होंगे, एक्सेप्ट द कौन सा लेयर, इपिडर्मिस, क्योंकि इपिडर्मिस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इपिडर्मिस छोड़ के जो भी लेयर्स तैयार होंगे एंथरवॉल के, जो भी का मतलब कौन से लेयर्स एंथरवॉल के रह गए, दैट इज द एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, वो कौन तैयार करेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स तैयार करेगा, और उसके बाद टैपेटम के अंदर कौन है, माइक्रोस्पोरेंजियम, या माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो वो स्पोरोजिनस टिश्यू कौन तैयार करेगा, प्राइमरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स तैयार करेगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये जो है ये कंप्लीट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देना अभी। ओके, प्राइमरी पैराइटल सेल्स किसमें डिवाइड हो रहे हैं, दे डिवाइड, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड फॉर्म्स थ्री टू फाइव लेयर्स ऑफ सेल्स, थ्री टू फाइव लेयर्स सेल्स तैयार, एंड दैट ये जो है लेयर्स वही क्या बनाएंगे, दैट फॉर्म्स द एंथरवॉल, दीज थ्री टू फाइव लेयर्स ये जो है, अभी इसमें से जो आउटर जो लेयर होगा, आउटर लेयर किसमें कन्वर्ट होगा, आउटर लेयर थ्री टू फाइव में से जो आउटर लेयर होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, दैट इज द सो प्राइमरी पैराइटल सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल एंड फॉर्म्स क्या फॉर्म्स करती है, थ्री टू लेयर सेल्स लेयर्स तैयार करते हैं, ये जो है विच लैटर फॉर्म्स, ये क्या बनाते हैं, विच लैटर फॉर्म्स एंथर वॉल बनाते हैं, तो एंथर वॉल किससे तैयार हो चुका है, याद रखना प्राइमरी पैराइटल सेल से। ओके, एंथर वॉल तैयार हुआ है, एक्सेप्ट द विच लेयर ऑफ एंथर वॉल, दैट इज द इपिडर्मिस, क्योंकि इपिडर्मिस ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो है दैट फॉर्म्स द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ द वॉल एंथर वॉल, विच फॉर्म्स द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ एंथर वॉल, रिमेनिंग का मतलब एक्सेप्ट द इपिडर्मिस, यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बोला है कि ये है इपिडर्मिस, तो इपिडर्मिस ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अभी प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है बाकी के एक्सेप्ट, यहाँ पे लिख रहे हैं हमें एक्सेप्ट इपिडर्मिस, इपिडर्मिस छोड़ के बाकी के सभी लेयर्स कौन बनाएंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, इसमें से थ्री टू फाइव लेयर्स में से जो आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर्स ओके, वो क्या बनाएगा, एंडोथेशियम, और उसके बिलो जो लेयर्स होगा वो क्या बनाएगा, मिडल लेयर, एंड सबसे इनर जो लेयर होगा सेल का किसने बनाया, प्राइमरी पैराइटल सेल्स ने जो बनाया है, सबसे इनर वाला जो लेयर्स होगा दैट्स फ्रॉम द टैपेटम, राइट।
सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी पैराइटल सेल्स. सो यहाँ पे लिख रहे हैं आउटर, इसमें से जो है आउट ऑफ दिस 3 to 4 लेयर्स में से, ओके आउटर जो है आउटर मोस्ट जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, एंडोथेशियम, एंडोथेशियम ओके. एंड इनर जो होगा, इनर टू दिस क्या बनाएगा, मिडल लेयर, मिडल लेयर ओके. और सबसे इनर वाला जो है इनर मोस्ट वो कौन सा होगा, टैपेटम, टैपेटम में कन्वर्ट, उसको टैपेटम कहेंगे. दिस अबाउट द प्राइमरी पैराइटल सेल. इसके बाद अभी फोकस करते हैं स्पोरोजिनस सेल्स को. स्पोरोजिनस सेल्स ये जो है दैट अंडरगो वन और मोर माइटोटिक डिवीजन, वन और मोर माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें, एंड वो जो है दैट बिहेव एज अ और कन्वर्ट इनटू व्हाट, स्पोरोजिनस टिश्यू. उस वो किसमें कन्वर्ट होगी, स्पोरोजिनस टिश्यू में होगी. सो यहाँ पे हम ये रफ करके लिखेंगे. यहाँ पे इसके बारे में लिखना है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स के बारे में समझ में आया होगा आपको. अभी मैं बोल रही हूँ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो कैसे डिवाइड होती है, डिवाइड टू और मोर टाइम माइटोटिकली ओके. एंड फॉर्म्स क्या बनाते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्पोरोजिनस टिश्यू में, स्पोरोजिनस टिश्यू. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं अभी बोल रही हूँ, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसमें कन्वर्ट होने वाला है. यहाँ पे हम डायग्राम निकालेंगे, फाइनल डायग्राम. तो फाइनल डायग्राम आपको याद आता होगा जो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने देखा था. इस तरह हमने स्ट्रक्चर निकाला था. तो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट जो है कौन सा लेयर कहा था मैंने, इपिडर्मिस. इनर टू द इपिडर्मिस जो लेयर है उसको क्या कहा था हमने, एंडोथेशियम. ये जो ब्लैक में है हम उसको क्या कहेंगे हम, एंडोथेशियम. दिस इज द एंडोथेशियम, ओके. इनर टू द एंडोथेशियम वहां पे क्या है, मल्टी लेयर्ड में कौन प्रेजेंट है, मिडल लेयर्स. यहाँ पे हमने बोला था इस तरह क्या, कौन है, मिडल लेयर है मल्टी लेयर्ड में. मल्टी लेयर्ड का मतलब ज्यादा नहीं, 1 to 3 लेयर्स में कौन प्रेजेंट है, मिडल लेयर. सो दिस इज द मिडल लेयर, ये हम मिडल लेयर्स. इस तरह मैं पूरा नहीं निकालूंगी तो यहाँ पे ध्यान देना. दिस इज द वॉट, मिडल लेयर, थर्ड वन मिडल लेयर, ओके. और इसके अंदर जो है वो कौन है, टैपेटम. टैपेटम याद आता है क्या, ऐसे रेडियल सेल्स मैंने बोला था वहां पे टैपेटम है, टैपेटम इस तरह सेल्स होंगे टैपेटम के. दीज आर द रेडियल सेल्स, ओके इस तरह. हम पूरा नहीं निकालेंगे, आपको समझना है. दिस द टैपेटम, एंड इनर टू द टैपेटम कौन है, वहां पे होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे. मैं यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू इस तरह दिखा रही हूँ, ये है रेड में अभी दिखा रही हूँ, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ओके स्पोरोजिनस. फोकस करना, यहाँ पे ये है स्पोरोजिनस टिश्यू.
स्पोरोजेनेस्टेशन। इसको लेबल कर रही हूं स्पोरोजीनस टिश्यू, और उसी स्ट्रक्चर को जहां पे स्पोरोजीनस टिश्यू है उसको हम क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था। तो मुझे फिर से वो पॉइंट ओरिजिन का पॉइंट यहाँ पे आपको बोलना था, रिवाइज करना था। ओके, मैंने बोला था एंथर वॉल जो है, एंथर वॉल चार लेयर से बने हैं। यहाँ पे मैंने टैपेटम नहीं लिखा है, दिस इज द व्हाट टैपेटम, ये टैपेटम है रेडियल सेल से। ओके, सो सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस एंडोथेलियम, उसके बाद मिडल लेयर, और उसके अंदर क्या है टैपेटम। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा ये एंडोथेलियम मिडल लेयर और टैपेटम कौन बना रहा है, प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल किससे तैयार हो चुके हैं, आर्किस्पोरियल सेल से तैयार। ओके, उसके बाद लेकिन यहाँ पे इपिडर्मीज, मैंने इपिडर्मीज आर्किस्पोरियल से तैयार हो चुका है क्या, या प्राइमरी पैराइटल सेल तैयार कर रही है क्या, नहीं। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, इपिडर्मीज इट इज नॉट आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। ओरिजिन समझ में आ रहा है, ये जो है तीनों लेयर एंडोथेलियम मिडल लेयर एंड टैपेटम कौन बना रहा है, प्राइमरी पैराइटल सेल बना रहा है। और ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स किससे अराइज हो चुकी है, आर्किस्पोरियल सेल से अराइज हो चुकी है। इसलिए हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंथर वॉल के जो तीन लेयर है एंडोथेलियम मिडल लेयर एंड टैपेटम, दे आर आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। इसका मतलब दे आर अराइज फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल्स, राइट। ओके, इसके बाद स्पोरोजिनस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो एक दो या तीन माइटोटिकली डिवीजन होते, दो या तीन यू कैन से थ्री और टू और थ्री टाइम्स माइटोटिकली डिवाइड होती है, और वो किसमें कन्वर्ट होगी, स्पोरोजिनस टिश्यू में या सेल्स में कन्वर्ट होगी। सो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस तरह किसमें डेवलप हो चुका है, इस तरह एंथर में डेवलप होता है। समझ में आया, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट एंथर। इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है ओरिजिन का, राइट। सो अभी इसके बाद देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। मैंने बोला था स्पोरोजिनस टिश्यू ही बाद में डिफरेंशिएट होती है किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसी सेल से क्या तैयार होंगे, माइक्रोस्पोर होंगे। सो दिस स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वही डेवलप होंगे किसमें, या डिफरेंशिएट होंगे किसमें, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।